हर महादेव दोस्तों दोस्तों जैसे कि आप जानते ही हैं, अभी पितृपक्ष चल रहा है। हिंदू धर्म में पितृपक्ष का महीना बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस महीने में पितरों के नाम पर श्राद्ध करने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है, साथ ही आपके पूर्वज खुश होते हैं और अपना आशीर्वाद आपको देते हैं। तो आइए जानते हैं कि हम पितृपक्ष क्यों मनाते हैं और इसके पीछे की कथा। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें, क्योंकि भगवान का नाम लेने से मन शांत और घर में सुख समृद्धि आती है। दोस्तों, जिस तरह जीवन में आगे बढ़ने के लिए, घर में सुख शांति के लिए भगवान की आशीर्वाद की ज़रूरत होती है, उसी तरह भगवान के आशीर्वाद के साथ साथ पितरों का आशीर्वाद भी होना बहुत ही ज़रूरी है। जिस घर में पितरों का आशीर्वाद नहीं होता है, वह घर तबाह हो जाता है। वो उस घर में कभी भी शांति नहीं रहती है। तो आज हम आपको बताएंगे एक पुरानी कथा, जिससे आप समझ जाएंगे कि घर में पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध करना क्यों ज़रूरी है। तो चलो जानते हैं। पितृपक्ष की पुरानी कथा के अनुसार जोगे और भोगे दो भाई थे। दोनों अलग अलग रहते थे। जोगे धनी था और भोगे निर्धन। दोनों में बहुत ही प्रेम था। जोगे की पत्नी को धन का अभिमान था, किंतु भोगे की पत्नी बहुत ही सरल हृदय की थी। पितृपक्ष आने पर जोगे की पत्नी ने उसे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा, तो जोगे इसे व्यर्थ का कार्य समझकर टालने की चेष्टा करने लगा, किंतु उसकी पत्नी समझती थी कि यदि ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बातें करेंगे। फिर उसे अपने मायके वालों को भी दावत पर बुलाना और अपनी शान को दिखाने का उचित अवसर लग रहा था। अंत में बोली, आप शायद मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कह रहे हैं, किंतु इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं भोगे की पत्नी को बुला लूँगी, दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगे। फिर उसने जोगे को अपने पहर न्योता देने के लिए भेज दिया। दूसरे दिन उसके बुलाने पर भोगे की पत्नी सुबह सुबह आकर काम में जुट गई। उसने रसोई तैयार की, अनेक पकवान बनाए, फिर सभी काम निपटाकर अपने घर गई। आखिर उसे भी तो पितरों का श्राद्ध अर्पण करना था। इस अवसर पर ना जोगे की पत्नी ने उसे रोका और ना वह रुकी। शीघ्र ही दोपहर हो गई, पितर भूमि पर उतरे। जोगे और भोगे के पितर पहले जोगे के जहां गए तो देखा कि उसके ससुराल वाले वहां भोजन पर जुटे हुए हैं। निराश होकर वह भोगे के जहां गए। वहां क्या था, मातर पितरों के नाम पर अग्यारी दे दी गई थी। पितरों ने उसकी राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर जा पहुंचे। थोड़ी देर में सारे पितर इकट्ठे हो गए और अपने अपने जहां के श्राद्धों की बड़ाई करने लगे। जोगे भोगे के पितरों ने भी अपनी आपबीती सुनाई। फिर वे सोचने लगे, अगर भोगे समर्थ होता तो शायद उन्हें भूखा ना रहना पड़ता, मगर भोगे के घर में तो 2 जून की रोटी भी खाने को नहीं मिली। यही सब सोचकर उन्हें भोगे पर दया आ गई। अचानक वे नाच नाच कर गाने लगे कि भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। सांझ होने को हुई, भोगे के बच्चे को कुछ भी खाने को नहीं मिला था। उन्होंने माँ से कहा, भूख लगी है। तब उन्हें टालने की गरज से भोगे की पत्नी ने कहा, जाओ आंगन में होदी में रखा है, उसे जाकर खोल लो और जो कुछ भी मिले बांट कर खा लेना। बच्चा वहाँ पहुँचा तो देखता है कि होदी में मोहरों से भरा पड़ा है। वह दौड़े दौड़े माँ के पास पहुँचता है और सारी बात बताता है। आंगन में आकर भोगे की पत्नी ये सब देखकर हैरान रह गई। इस प्रकार भोगे भी धनी हो गया, मगर धन पाकर वह घमंडी नहीं हुआ। दूसरे साल पितृपक्ष आया। श्राद्ध के दिन भोगे की स्त्री ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए, ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध किया, भोजन करवाया, दक्षिणा दी, जेठ जिठानी को सोने के दर्पणों में भोजन कराया। इससे पितर प्रसन्न हुए
और तृप्त हुए और ऐसे पितरों के आशीर्वाद से भोगे भी अमीर हो गया। तो दोस्तों इसलिए कहते हैं पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप भी श्राद्ध के नियमों का पालन करते हुए श्राद्ध करते हैं तो आपको भी पितर दोष से मुक्ति मिलती है। कहते हैं जिस घर में पितर दोष रहता है वहाँ पर कभी शांति नहीं रहती है, वहाँ छोटी छोटी बातों पर झगड़ा होता रहता है और आपके काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं। अगर आपके घर में ऐसे होता है तो आप भी पितृपक्ष के दौरान अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए श्राद्ध करें और उनका तर्पण करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको भी आपके पितृदोष से छुटकारा मिलता है और घर में सुख शांति आती है। इसीलिए सच ही कहा गया है, जिस प्रकार भगवान की कृपा के बिना हम जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते हैं, घर में शांति नहीं आ सकती है, उसी तरह बिना पितरों के आशीर्वाद से भी कभी भी जीवन सुखी नहीं रह सकता। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें, क्योंकि भगवान का नाम लेने से मन शांत और घर में सुख समृद्धि आती है।